हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्विक रिवीजन ले लेंगे जीआईटी का। जीआईटी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं पूरे टॉपिक्स पढूं। सो कुछ कुछ टॉपिक्स का क्विक रिवीजन ले लेंगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। सो पहला जो पार्ट है इन्वेस्टिगेशन, वो सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा फिलहाल थ्रेटिकल वे में इंपॉर्टेंट है, तो वो छोड़कर लेट्स गो डाउन। नीचे आ जाएंगे, नीचे आने पे जीआई की मोबिलिटी वगैरह दिया हुआ है। देन और थोड़ा सा नीचे आ गए तो टंग, अल्सर्स, कलर्स, मॉइस्चर, सरफेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। डायरेक्ट नीचे आके फोर्थ पॉइंट इज अ डिसफेजिया, या दिस वन पेज नंबर 7, डिसफेजिया। सो डिसफेजिया का क्या मीनिंग होता है? डिसफेजिया का मतलब होता है डिसफेजिया इंडिकेट्स अ डिले इन अ पैसेज, इन द पैसेज ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, एंड डिसफेजिया शुड बी डायग्नोज फ्रॉम ओडाइनोफेजिया विच इज अ कम्फर्ट और अ पेन ऑन सॉलोइंग हॉट और लिक्विड फ्लूइड और अ लिक्विड एंड ओकेजनली अल्कोहल। मतलब इसका मतलब क्या है कि डिसफेजिया क्या चीज़ है? डिसफेजिया का मतलब होता है कि जब हम निगल रहे हैं तो उसको निगलने में हमको तकलीफ हो रही है, या वो लिक्विड है या वो सॉलिड है, और इसको डायग्नोसिस जब हम किसका करेंगे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो इसको ओडाइनोफेजिया मतलब डिसकम्फर्ट और अ पेन ऑन अ सॉलोइंग हॉट और अ कोल्ड लिक्विड एंड ओकेजनली अल्कोहल को मीन्स सॉलो करते टाइम पे भी उसको तकलीफ होंगी। इन जनरल द मैकेनिज्म cause leads to dysphagia for solid foods, whereas the patient with a mobility disorder tends to complain the non-progressive dysphagia for the both liquid and the solid। मतलब अगर कोई non-mobilitic patient है जिसको mobility disorder है, या उसका esophagus काम नहीं कर रहा है, या फिर esophagus का उसको paralysis हुआ हुआ है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो मूवमेंट नहीं कर पाता है, सो दैट मोबिलिटी डिसऑर्डर अगर किसी बंदे को है तो उसके अंदर हमको नॉन प्रोग्रेसिव डिसफेजिया भी नजर आएगा विद अ सॉलिड और अ लिक्विड फूड फॉर ऑनसेट। कॉजेज ऊपर की टेबल में दिए हुआ है, सो देख लेते हैं कॉजेज क्या है। सो कॉजेज है, कटरल हो सकता है, रिकरेंट अपथे हो सकते हैं, स्ट्रोमाटाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल में है, हिपेटाइट, हर्पीस सिंप्लेक्स, देन फंगल में आ जाओ तो थर्स्ट है, उसके बाद में नीचे आ जाओ तो बहुत सारे ड्रग इंड्यूस वगैरह, हाइपर सेंसिटिविटी है, साइटोटॉक्सिक है, देन विटामिन डिफिशेंसी है, जीआई डिसऑर्डर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद में हिस्ट्री में आ जाओ तो ये ज़्यादातर बच्चों में रहेगा, क्लिफ पैलेट, फॉरेन बॉडी एंड अदर थिंग्स। यंग वुमेन्स में रहेगा 30-40, हिस्टेरिकल स्पाइजम्स, देन दी मोनोपोजल वुमेन्स में रह सकता है, देन अबाउ 50 वाली वुमेन्स में रह सकता है, लाइक ईसोफेजियल कैंसर्स वगैरह। देन सिम्टम्स क्या रहेंगे? तो डिसफेजिया रहेगा, पेन रहेगा। पेन कैसा रहेगा? पेन जो रहेगा वो बर्निंग सबस्टर्नल कॉन्टैक्ट पेन रहेगा, जो कि फेल्ट होगा व्हेन दी हॉट एसिड स्पाइसी अल्कोहलिक मटेरियल पास थ्रू दी इन्फ्लेम्ड ईसोफेगस। सेकेंड थिंग इज इम्पैक्ट पेन रहेगा, पहला है बर्निंग सबस्टर्नल कॉन्टैक्ट पेन, दूसरा इम्पैक्ट पेन का मतलब है सीवियर पेन सबस्टर्नली व्हेन अ बोलस इम्पैक्ट्स अबाउ अ नैरो ईसोफेगस, मतलब नैरोइंग ऑफ ईसोफेगस हो गया और वहाँ से अगर कोई बोलस फोर्सफुली पास होगा तो वो इम्पैक्ट करेगा उस पर, दैट इज द इम्पैक्ट पेन। देन द स्पाइजम पेन, सम दिस इज सीवियर टाइप ऑफ द ईसोफेजियल पेन, यूजुअली रिलेटेड टू द मस्क्यूलर स्पाइजम, रिलेटेड टू मस्क्यूलर स्पाइजम है, ठीक है। देन द कॉजेज ऑफ डिसफेजिया, एक्यूट हो सकता है, अगर एक्यूट है तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से, फॉरेन बॉडी की वजह से, और अगर क्रॉनिक है तो ओरोफेरिंजियल हो सकता है, डेट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कॉजेस हो सकते हैं, इन्फेक्शियस कॉजेस हो सकते हैं, मैकेनिकल एंड कॉम्प्रेशन हो सकता है, साइकोसोमैटिक हो सकता है। देन अगर ईसोफेजियल देखा जाए तो मैकेनिकल ब्लॉक्स हो सकते हैं, मस्क्यूलर
इनकोऑर्डिनेशन हो सकता है, इतने सारे इसके कॉसेस हैं. देन फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह हम लोग बाद में देख लेंगे. देन दी ट्रीटमेंट वगैरह, देन जी ई आर डी का सीधा मतलब है कि भाई के बंदे को एसिडिटी हुई है. एसिडिटी का मतलब होता है कि एसिडिक रिफ्लक्स मीन्स इज अ गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, कि जो खाना पेट में होना चाहिए था या जो एसिडिक कंटेंट पेट में होना चाहिए था वो ऊपर आ रहा है इन अ ईसोफेगस और द लोअर स्पिंचर ऑफ द ईसोफेगस जो है, या फिर अपर एंड ऑफ द स्टमक जो है जिसको कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं, वो अगर ख़राब हो गया या फिर उसका पैरालिसिस हो गया, उसकी वजह से जो एसिडिक कंटेंट स्टमक में होता है वो ऊपर आने लगता है ईसोफेगस के थर्ड पोर्शन में. सो जी ई आर डी क्या चीज़ है? इज कॉज बाय द रिकरेंट रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कॉन्टेंट इन डिस्टल ईसोफेगस. द पैथोफिजियोलॉजी इज मल्टी फैक्टोरियल बट डिसफंक्शन ऑफ द लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर हैव अ प्राइमरी रोल. मतलब सबसे ज़्यादा प्राइमरी रोल किस चीज़ का है? कि लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर का प्राइमरी रोल है, मतलब उसकी वजह से ही ये होगा. मोबिलिटी डिसऑर्डर वाले जो बंदे रहेंगे उनके अंदर डिस्टल ईसोफेगस रिड्यूस पेरिस्टाल्टिक एम्पलीट्यूड डिक्रीज वेलोसिटी एंड इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी. जी ई आर डी का सीधा सीधा मतलब है कि जो गैस्ट्रिक कॉन्टेंट है वो हमारे थर्ड पार्ट ऑफ द ईसोफेगस में आ रहा है. मैकेनिज्म एंड कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं ये आप लोग खुद पढ़ लेना. देन नीचे आ जाओ तो एक्लेजिया कार्डिया. एक्लेजिया कार्डिया क्या चीज़ है? ओके, एक्लेजिया कार्डिया, एक्लेजिया कार्डिया इज द एक्लेजिया मतलब होता है कार्डियोस्पैज्म और मेगेलो ईसोफेगस इज अ प्राइमरी मोटर डिसऑर्डर ऑफ द ईसोफेगस. ये प्राइमरी मोटर डिसऑर्डर है भाई ईसोफेगस का. फेलियर ऑफ रिफ्लक्स ऑफ द लोअर ईसोफेगस स्पिंचर और swallowing on swallowing is a characteristic failure degeneration of the neuronal cell bodies in a mentrerik plexus is thought to be primary abnormality. मतलब ये भी वही चीज़ है, लेकिन सिर्फ इतना है कि यहाँ पे न्यूरल डैमेज की वजह से हो रहा है, वहाँ पे मैकेनिकल डैमेज की वजह से हो रहा था, यहाँ पे न्यूरल डैमेज की वजह से हो रहा है. सिम्टम्स क्या रहेंगे? क्लिनिकल फीचर डिस्फेजिया रहेगा, रिगर्जिटेशन रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स रहेंगे कफ एंड डिस्निया ड्यू टू प्रेशर ऑन लैरिंग्स. देन असिम्टोमेटिक रहेगा कभी कभार. कॉम्प्लिकेशंस में पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस रह सकते, कार्सिनोमा रह सकता, माल न्यूट्रिशन रह सकता और फार्माकोथेरेपी इसका मैनेजमेंट में आएगा. देन नेक्स्ट इज दी हायाटस हर्निया, प्रोट्रूजन ऑफ द स्टमक अबाउट दी डायफ्राम. कॉजेस क्या हो सकते हैं? मिडिल एज वाले बंदे में ये होगा, ओबेस फीमेल में हो सकता है, इट कैन बी कंजेनाइटल और ड्यू टू द कंडीशन विच इज रेज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. जो भी चीज़ की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे कि ओबिसिटी हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, एब्डोमिनल ट्यूमर हो सकता और मे फॉलो सर्जिकल ऑपरेशंस लाइक पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी और वेसेक्टोमी. टाइप्स क्या है? चार टाइप्स का है. पहला स्लाइडिंग, दूसरा रोलिंग, तीसरा कंबाइंड स्लाइडिंग एंड चौथा वाला पॉइंट है हियाटस हर्निया. वैसे वर्षा अदर देन दी स्टमक हियाटस इन टू द मेरियास्टिनम मोस्ट कॉमनली इन अ कोलोन. तो ये हो गया चार टाइप के स्लाइडिंग हियाटस हर्निया. हियाटस हर्निया का पहला टाइप है स्लाइडिंग जो कि कॉमनेस्ट टाइप है, दूसरा है रोलिंग जो कि पैरा ईसोफेजियल है, थर्ड वन इज द कंबाइंड स्लाइडिंग प्लस पैरा ईसोफेजियल, मतलब दोनों भी रहेगा, स्लाइडिंग भी रहेगा और पैरा ईसोफेजियल भी रहेगा, एंड द फोर्थ वन इज दी हियाटल हर्निया और वाइस वर्सा अदर देन दी स्टमक हर्निएटेड इन टू दी मीडियास्टिनम मोस्ट कॉमनली द कोलन. देन ये पहली बात तो क्या इसका सिम्टम्स क्या रहेगा कि असिम्टोमेटिक रहेगा. सिम्टम्स ड्यू टू रिफ्लक्स, देन सिम्टम्स ड्यू टू प्रेशर, सिम्टम्स ड्यू टू हिमोरे, सिम्टम्स ड्यू टू एसोसिएटेड डिजीजेस. जो भी इसके साथ में एसोसिएटेड डिजीज रहेगी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम इसमें रेडियोग्राफी करेंगे, मतलब चेस्ट एक्सरे करेंगे, बैरियम सोलो करेंगे, एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी करेंगे एंड मेमोमेट्री करेंगे.
देन मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। डिसपेप्सिया, अब डिसपेप्सिया का क्या मतलब है? डिसफेजिया का मतलब था कि स्वॉलो नहीं किया जा रहा था ईसोफेगस में, मतलब ईसोफेगस में मे बी अल्सरेशन हो सकता है या कोई और कॉज हो सकता है, सो स्वॉलो नहीं किया जा रहा था। देन डिसपेप्सिया क्या चीज़ है? डिसपेप्सिया का मतलब होता है, डिसपेप्सिया रेफर्स टू द अपर एब्डोमिनल सिम्टम्स यूजुअली फॉलोड इनटेक ऑफ फूड विच अपियर्स टू राइज फ्रॉम अपर GI ट्रैक। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक डिसपेप्सिया हो सकता है, कोरोजिव इसोफेजाइटिस की वजह से, गैस्ट्रिक इरोजन की वजह से, एक्यूट एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से, गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से एंड ऑल द अल्सर्स। देन फंक्शनल एंड नॉन अल्सरेटिव डिसफेजिया भी हो सकता है, ड्रग एड्यूज हो सकता है, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स, बायफॉस्फेट्स, स्टेरॉइड्स इन सब लेने की वजह से, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल सिम्टम्स लाइक डायबिटीज, मेलाइटिस, हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सेट्रा। सिम्टम्स ऑफ द डिसफेजिया कैन बी डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स, तीन में इनको डिवाइड करेंगे। पहला रिफ्लक्स टाइप, सेकेंड वन इज द अल्सर टाइप एंड थर्ड वन इज द डिसमोबिलिटी टाइप। पहला वाला रिफ्लक्स टाइप के अंदर आएगा रेट्रोस्टर्नल बर्निंग और रिगर्जिटेशन। डिसपेप्सिया को तीन इसमें डिवाइड करेंगे उसके सिम्टम्स को, पहला रिफ्लक्स टाइप, दूसरा अल्सर टाइप, तीसरा डिसमोबिलिटी टाइप। पहले इसमें आएगा रिफ्लक्स टाइप में रेट्रोस्टर्नल बर्निंग, मतलब स्टर्नम के पीछे होगा बर्निंग, तो वो वाला रेट्रोस्टर्नल बर्निंग, देन दी रिगर्जिटेशन। सेकेंड इज दी अल्सरेटिव टाइप, अल्सरेटिव टाइप के अंदर आएगा इपिगेस्ट्रियम पेन जो कि एम्प्टी स्टमक में होगा, मतलब मॉर्निंग में हो सकता है, एम्प्टी स्टमक में होगा, रिलीव होगा ब्लंट फूड की वजह से, एंटा एसिड्स की वजह से एंड एसिड सप्रेशंस की वजह से। थर्ड वन इज द डिसमोबिलिटी टाइप जिसमें पोस्ट प्रॉन्डल फुलनेस होनी चाहिए, देन द डिस्टेंशन, अर्ली सेटाइटी एंड नोशिया। ये तीन इसमें डिवाइड किए हुए, तीन अलग अलग इनके सारे सिम्टम्स। देन रोम्स थर्ड डायग्नोसिस क्राइटेरिया फॉर द फंक्शनल डिसपेप्सिया, इसमें क्या है कि एटलीस्ट थ्री मंथ्स विद ऑनसेट ऑफ द एटलीस्ट सिक्स मंथ्स प्रीवियसली ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कोई तीन इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए छः महीने से या एटलीस्ट तीन महीने से, ठीक है। पहला है बर्डन सम पोस्ट पॉन्ड्रल फुलनेस, सेकेंड इज द अर्ली सेटाइटेशन, थर्ड इज द इपिगेस्ट्रियल पेन, इपिगेस्ट्रिक बर्निंग एंड नो एविडेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल डिजीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इनमें से कोई दो भी चाहिए तो तीन भी चलते, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज इसका पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल सिम्टम्स, नहीं इसका नहीं है, ये किसी और का है। देन आ जाओ नीचे टेंथ पे, टेंथ में क्या दिया हुआ है कि गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा का मतलब है कि जो हमारा स्टमक है उसकी जो लाइनिंग है उसमें अंदर की जो सबसे मेन वाली जो लाइनिंग है म्यूकोसा, उसका हो जाना इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अगर उसका हो गया तो क्या होगा, तो ये होगा दो टाइप का, या तो होगा एक्टिव या होगा क्रॉनिक। अगर एक्टिव है तो फिर क्या होगा, गैस्ट्राइटिस कैन बी सेल्डम इन सिम्टोमेटिक, ये हो सकता है, ये हमेशा सिम्टोमेटिक होगा, ज़रूरी नहीं है पर हो भी सकता है। देन ये बट इट कैन, इट हैज़ एन क्लिनिकल सिक्वेली प्रिंसिपली ड्यूओडेनल एंड दी गैस्ट्रिक अल्सरेशन, गैस्ट्रिक एडीनोकार्सिनोमा एंड प्राइमरी गैस्ट्रिक लिम्फोमा, इन सारी चीज़ों की वजह से भी ये हो सकता है। द थ्री मेन इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ गैस्ट्राइटिस आर एच पायलोरी इन्फेक्शन, एनसेड्स एंड ऑटो इम्यूनिटी। तीन चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है गैस्ट्राइटिस को कॉज करने के लिए, पहला एच पायलोरी इन्फेक्शन, दूसरा एनसेड्स और तीसरा ऑटो इम्यूनिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ द गैस्ट्राइटिस इज गिवन इन अ टेबल नंबर 9। वेयर इज द टेबल नंबर 9? ओके, हियर इज द टेबल नंबर 9। सो पहली चीज़, इसको डिवाइड किया है बहुत सारे इसमें टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, तो नॉन अटॉपिक अगर है तो एच पायलोरी की वजह से, अटॉपिक है तो पता नहीं किसकी वजह से, देन ऑटो इम्यून अगर है तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, मल्टीफोकल अटॉपिक अट्रॉफिक है तो एच पायलोरी प्लस इन्वायरमेंटल इंसल्ट की वजह से, देन
स्पेशल फॉर्म्स, स्पेशल फॉर्म्स में आएगा केमिकल्स की वजह से अगर हुआ है तो एंसेड्स, बाइल्स एंड अल्कोहल की वजह से, रेडिएशन अगर है तो रेडिएशनल इंजरी की वजह से, लिम्फोसाइटिक अगर है इडियोपैथिक ग्लूटाइन एंड ड्रग्स की वजह से, नॉन इन्फेक्शियस ग्रैन्यूलोमैटस अगर है तो कॉन्स डिसीज, सार्कोडाइटिस एक्सेट्रा इन लोगों की वजह से, इओसिनोफिलिक है तो फूड सेंसिटिविटी की वजह से, एंड अदर इन्फेक्शंस की वजह से अगर है तो बैक्टीरिया एंड अदर एच पैलोरी इन्फेक्शंस, ये होगा इसके क्लासिफिकेशन। नाउ पेप्टिक अल्सर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके सो पेप्टिक अल्सर क्या चीज़ है? पेप्टिक अल्सर इज द टर्म पेप्टिक अल्सर इज अप्लाइज टू द म्यूकोजल अल्सरेशन अंडर द एसिड बेयरिंग रीजन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। वहाँ पहले क्या हुआ कि इन्फ्लेमेशन हुआ गैस्ट्रिक म्यूकोजा का, दैट इज़ द गैस्ट्राइटिस। अगर वहाँ पे ही गैस्ट्रिक म्यूकोजा में ही अल्सर्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। मोस्टली ये जो अल्सर्स होते हैं मोस्टली कॉमन इन स्टमक और प्रोक्सिमल डियोडिनम, बट दे मे ऑल्सो ऑकर इन इसोफेगस। इसोफेगस में भी आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि GERD की वजह से, कि एसिड अगर एसिड रिफ्लक्स की वजह से अगर एसिड्स जो है एसिड कंटेंट जो है स्टमक का अगर वो इसोफेगस में जाएगा, थर्ड पार्ट ऑफ द स्टमक इसोफेगस में, तो उधर भी वो हो सकता है अल्सर। देन अगर जेजुनम में चला गया, अगर स्टमक का एंट्रम वाला पार्ट जो है अगर वो डैमेज हुआ तो फिर वो वहाँ पे भी एसिड कॉज, वहाँ पे भी अल्सरेशन हो सकता है। देन अगर मिकल्स डाइवर्टिकुलम में चला गया तो वहाँ पे भी अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं। अभी आ जाओ कॉजेज पे। कॉजेज क्या होंगे कि कॉजेज अगर सिर्फ गैस्ट्रिक अल्सर के कॉजेज हम देख रहे हैं तो एच पायलोरी इन्फेक्शन, एंसेड्स, नियोप्लाज्म, स्ट्रेस, कॉन्स डिसीज एंड इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें इसके कॉजेज है, ठीक है। अब अगर देखो ड्यूडिनल कॉजेज, ड्यूडिनल कॉज में आएगा मेन कॉज है एच पायलोरी इन्फेक्शन एंड एंसेड्स। अनकॉमन कॉजेज है गैस्ट्राइनोमा, देन हाइपरकैल्सीमिया, देन ग्रैन्यूलोमैटस डिजीजेस, कॉन्स डिसीज एंड सार्कोडाइटिस, नियोप्लाज्म एंड एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेगी। देन आ जाओ नीचे पेप्टिक अल्सर का एडियोपैथोलॉजी। पहला कि ये फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री चाहिए लेकिन। देन पेप्टिक अल्सर रिजल्ट फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ द म्यूकस म्यूकोजा विद द एसिड पेप्सिन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस। एसिड सिक्रीशन ऑफ द इज वेरी इंपॉर्टेंट इन etiology of the gastric ulcer than duodenal ulcer than the gastric ulcer. Acid का secretion important factor है in a duodenal ulcer than the gastric ulcer. Then the third one is the mucosal resistance. Mucosal resistance अगर ख़राब हुआ उसकी वजह से वहाँ पे ulcer मतलब gastric mucosal barrier जो है अगर वहाँ पे सही तरीके से acid को acid production हो रहा है लेकिन protection नहीं है तो उसकी वजह से भी अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो पहला होगा कि सिक्रीशन ऑफ द बाइकार्बोनेट्स बाय द सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द म्यूकोसल प्रोस्टाग्लैंडिंस। दीज सेल्स आल्सो सिक्रीट द म्यूकस दैट इम्पेड्स डिफ्यूजन ऑफ द आयंस एंड द मॉलिक्यूल्स इनटू द पेप्सिन एंड ऑल ऑफ दैट। देन पेन जो होगा सिम्टम, इसका मेन सिम्टम है पेप्टिक अल्सर का कि पेन क्या रहेगा, तो पेन कैसा रहेगा, कैरेक्टर और इंटेंसिटी कैसी रहेगी, तो वेरिएबल रहेगी, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, यूजुअली ग्वाइन एंड मॉडरेटली मॉडरेट माइल्ड एंड सीवियर, ये कैसा भी हो सकता है, वेरिएबल रहेगा मतलब सीधी बात है कि वो कैसा भी हो सकता है। तो पहला होगा कैरेक्टर, दूसरा होगा लोकेशन, होगा कहाँ पे, शार्प होगा, शार्पली कंसनट्रेट सरकमडेटेड एट एन एरिया about 1 inch in a diameter between xiphoid and umbilicus, can occur anywhere in the abdomen, retrosternal or with a posterior ulcer in the back, ठीक है। तो ये हमारे मतलब एक इंच का रहेगा, एक इंच का मतलब या xiphoid process से umbilicus के बीच में कहीं पे भी ये हो सकता है, या तो ये retrosternal रहेगा या फिर ये back में होगा। देन रिलेशन विद द फूड, रिलेशन विद फूड ऐसा है कि रिदमिक ऑकरेंस एंड डिसअपियरेंस, रिदमिक ऑकरेंस और डिसअपियरेंस है। पेन जो है वो इनवेरिएबल है, एबसेंट इन अ मॉर्निंग, सुबह नहीं रहेगा,
pain usually occur 2 to 3 hours after the meal and is eased by food. 2 से 3 घंटे खाना खाने के बाद में ये पेन स्टार्ट होगा और धीरे धीरे करके खुद ब खुद ये नॉर्मल भी हो जाएगा. कैरेक्टराइज नॉक्टर्नल डिस्ट्रेस रहेगा बिटवीन 12 to 2 AM. ठीक है, अगर जैसे 10 बजे खाना खाया तो 12 बजे फिर उसको तकलीफ होंगी 12 से 2 बजे तक के. देन दी फ्रीडम फ्रॉम पेन फॉर अबाउट 2 आवर्स आफ्टर राइजिंग. ठीक है, 2 घंटे तक के तो ठीक रहेगा उठने के बाद, लेकिन उसके बाद उसको पेन स्टार्ट हो जाएगा. इन गैस्ट्रिक अल्सर पेन इज प्रेसिपिटेटेड बाय फूड. ओके, एग्रेवेशन और रिलीफ एग्रेवेटेड बाय दी कोर्स फूड, अल्कोहल, नर्वस टेंशंस, अनड्यू फटिग. रिलीव होगा एंटा एसिड से और आफ्टर वोमिटिंग ऑफ द गैस्ट्रिक फ्लूइड. देन पीरियोडिसिटी कैसी रहेगी, तो इवन व्हेन द पेशेंट इज पेन इज एब्सेंट रिकरेंट बाउट्स ऑफ द, देखो पेन अगर नहीं भी है तो भी उसके अंदर क्या रहेगा कि उसको हार्टबर्न रहेगा, एनोरेक्सिया रहेगा, नोशिया रहेगा, वोमिटिंग रहेगी ड्यू टू सजेस्टेड पॉसिबिलिटी ऑफ द अल्सर. ठीक है, इसके बाद में नोशिया एंड वेट लॉस ऑकर ड्यू टू द कॉमनली इन अ गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट. सीधी बात है, अगर उसको पेन वेरिएबल है और इतनी सारी चीज़ें उसके साथ में, 2 से 3 घंटे खाना खाने के बाद उसको पेन हो रहा है, सिर्फ मॉर्निंग में 2 घंटे उसको ठीक लगेगा, उसके बाद में वो नाश्ता करेगा तो उसको पेन होगा, तो उस बंदे का नोशिया और वोमिटिंग, नोशिया एंड वेट लॉस तो होना पक्का बनता है. देन आ जाओ नीचे, इन्वेस्टिगेशन एंड साइंस. साइंस के अंदर क्या रहेगा, ओके साइंस में क्या रहेगा, हिस्ट्री इज एवरी थिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इज नथिंग. तो हिस्ट्री हमको पता करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन हमने नहीं भी करे तो चलता है लेकिन करना ज़रूरी है. पहली चीज़ टेंडरनेस, दूसरा मसल गार्डिंग और रिजिडिटी, थर्ड वन इज़ द पेरिस्टाल्टिक वेव एंड द फोर्थ वन इज़ द ऑकल्ड ब्लड इन द स्टूल. ये 4 चीज़ें साइंस में आएंगी. टेंडरनेस, डीप टेंडरनेस इन द राइट ऑफ द मिडल इन द एपिगैस्ट्रियम. डीप टेंडरनेस रहेगी राइट साइड में इन अ मिडल ऑफ द एपिगैस्ट्रियम लोकेटेड ओवर द साइट ऑफ द ल्यूजन ऑन डीप पाल्पेशन. सुपरफिशियल टेंडरनेस में भी प्रेजेंट, सुपरफिशियल टेंडरनेस जो है वो भी रहेगी. मसल गार्डिंग और रिजिडिटी में भी प्रेजेंट इन अ एक्टिव अल्सर और डीप पेनिट्रेशन अल्सर. देन आ जाओ पेरिस्टाल्टिक वेव में भी ऑब्जर्व इन अ प्रेजेंस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्सेट्रा. देन नीचे आ जाओगे ऑकरेंस ऑकल्ड ब्लड इन द स्टूल. ठीक है, एंडोस्कोपी करेंगे, बैरियम मील करेंगे, एक्टिव स्टेज में क्या करेंगे और हीलिंग स्टेज में क्या करेंगे ये आप खुद देख लेना. इसके बाद में नीचे आ जाओ तो यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि भाई एक कोर्स ऑफ इलनेस गैस्ट्रिक अल्सर में कितनी रहेगी, डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूओडेनल अल्सर. पेन कब होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन में गैस्ट्रिक अल्सर में होगा, शॉर्टर ड्यूरेशन में ड्यूओडेनल अल्सर में होगा. फूड प्रोवोक्स द पेन, फूड रिलीव द पेन. ड्यूओडेनल अल्सर के अंदर फूड जो है वो अच्छा लगेगा उसको, खाना खाने के बाद में उसको अच्छा लगेगा कि यार मैंने खाना खा लिया अब मेरा पेन चला गया. क्यों ऐसा होगा, तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जब खाना आएगा तो वो ऑलरेडी वहाँ पे अल्सर है. जब एसिड प्रोड्यूस होगा तो वो, जब हमारे हाथ पे अगर कभी छाला आया हुआ है और हम उसके ऊपर कभी उसको हीट लग जाए तो वो जलना शुरू हो जाएगा. तो हमारे स्टमक में जब अल्सर ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे, तो जब एसिड प्रोडक्शन होगा, जैसे ही फूड अंदर गया एसिड प्रोडक्शन हुआ तो वो वहाँ पे जलना वो शुरू हो जाएगा और 2 से 3 घंटे के बाद में हमको पेन स्टार्ट हो जाएगा. देन जब वही फूड पूरा अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के बाद में से वो फूड ड्यूओडेनम में पास होगा, सो ड्यूओडेनम के अंदर वो अल्कलाइन फॉर्म में जाएगा क्योंकि पैंक्रियास से और बाकी बाइल जूस वगैरह मिक्स कर करा के वो एक अल्कलाइन फॉर्म में वो फूड जब जाएगा तो वहाँ पे उसको तकलीफ होने के चांसेस नहीं है, तो उसको वहाँ पे पेन से रिलीफ महसूस होगा. देन वहाँ ड्यूओडेनम का पेन जो है वो शॉर्टर ड्यूरेशन का है, रिलीव द पेन बाय फूड. हार्ट बर्न जो है वो मोस्ट कॉमन रहेगा ड्यूओडेनम में, लेस कॉमन रहेगा गैस्ट्रिक अल्सर में. एंटा एसिड रिलीव द पेन नॉट इंटेंस एंड प्रोमोट्स रिलीफ इन अ पेन. प्रोमोट्स रिलीफ ऑफ द पेन मतलब ड्यूओडेनम के अंदर उसको अच्छा लगेगा एंटा एसिड के बाद में और उसको रिलीव द पेन बट नॉट इंटेंस. एंटा एसिड अगर लिया गैस्ट्रिक अल्सर वाले बंदे ने तो उसको अच्छा तो लगेगा लेकिन अचानक से नहीं लगेगा, मतलब लेते साथ ही उसको अच्छा नहीं लगेगा. एनोरेक्सिया और नोशिया मोस्ट कॉमन है गैस्ट्रिक अल्सर में और लेस कॉमन है ड्यूओडेनल अल्सर में. स्पॉन्टेनियस पर
फोरेशन जो है वो लेस कॉमन है गैस्ट्रिक अल्सर में, और सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ड्यूडेनल अल्सर में. देन बहुत कुछ है इसमें, लेकिन अभी फ़िलहाल पढ़ने का इतना टाइम नहीं है. ये जेड ई सिंड्रोम क्या चीज़ है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है. तो सीवियर पेप्टिक अल्सर सेकेंडरी टू द गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रीशन ड्यू टू अनरेगुलेटेड गैस्ट्रिन सिक्रीशन फ्रॉम द नॉन बीटा गैस्ट्रिनोमा. गैस्ट्रिनोमा आर क्लासिफाइड इंटू स्पोरैडिक ट्यूमर एंड those associated with the multiple endocrine neurology neoplasm type 1, that is a man type 1, and gastrin stimulation acid secretion through the gastrin receptors on the parietal cells. It's too much. Then the gastric ulcers kin patients mein honge, to pehla hoga patient with presents with the indigestion, weight loss, nausea, vomiting, hemostasis and melena. Then come downward. Down. Okay, so the next point is the diarrhea. डायरिया क्या चीज़ है? डायरिया इज़ अ डिक्रीज इन अ कंसिस्टेंसी और इंक्रीज इन अ लिक्विडिटी ऑफ द स्टूल. ये सबको पता है कि डायरिया क्या चीज़ है. तो कंसिस्टेंसी मतलब उसका मतलब अगर वाटरी स्टूल किसी को हो रहा है तो उसको बोलेंगे डायरिया. अभी डायरिया को डिफाइन कैसे करेंगे? एक्यूट अगर है तो उसने 2 वीक से ज़्यादा होना चाहिए था, या परसिस्टेंट इफ़ 2 to 4 weeks, एंड क्रॉनिक अगर है 2 वीक से मतलब 4 वीक से ज़्यादा अगर है तो उसको क्रॉनिक बोलेंगे. 4 वीक से ज़्यादा मतलब 4 वीक से ज़्यादा अगर किसी बंदे को डायरिया हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लूज टूल्स अगर हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे क्रॉनिक, और अगर 2 वीक से ज़्यादा हो रहे हैं मतलब 2 से 4 वीक तक के है तो उसको बोलेंगे एक्यूट. एक्यूट डायरिया के लिए जो सिम्टम्स है वो दिए हुए हैं, कॉजेज जो है वो यहाँ पे डब्बे में दिए हुए ऊपर बॉक्स में. पहला होगा इन्फेक्शन, दूसरा होगा इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, एडिनो वायरस हो सकता है, एस्ट्रो वायरस हो सकता है, एक्सेट्रा. देन आ जो बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में साल्मोनेला हो सकता है, एनशिगेला हो सकता है, एंटेराइटिस हो सकता है. पैरासाइट के अंदर आ जो तो हिस्टोलेटिक ग्लार्डिया हो सकता है. देन फूड पॉइजनिंग टॉक्सिन्स बैसिलस एंड ऑल दैट. देन ड्रग्स में आ जो मतलब एंटीबायोटिक्स की वजह से, डॉक्सोक्सिन की वजह से, CNS वाले ड्रग्स की वजह से, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स की वजह से, GI ड्रग्स की वजह से, अदर्स की वजह से. देन आ जो पुअरली एब्जॉर्ब शुगर फ्रुक्टोज मैनिटॉल एंड सार्बिटॉल. ठीक है, पुअरली एब्जॉर्ब शुगर्स की वजह से, फीकल इम्पेक्शन की वजह से, एंड इंटेस्टिनल इस्चीमिया की वजह से. क्रॉनिक के अंदर क्या रहेगा? क्रॉनिक डायरिया में क्या रहेगा? क्रॉनिक डायरिया दिया हुआ है 23 वाले बॉक्स में के कॉजेस, तो नीचे आ जाओ. ओके, डायट्री फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें कॉफ़ीन आएगा, सार्बिटॉल आएगा. देन दी एक्सेस इंजेशन ऑफ द फ्रुक्टोज, इन्फेक्शन में क्लारिडिया, लेम्बिया, हिस्टोलेटिका. देन ड्रग्स के अंदर आ जाओ तो एंसिड्स की वजह से, आयरन प्रिपरेशंस की वजह से, डेक्सोसिन की वजह से, एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से, माल एब्जॉर्प्शन. देन इरिटेबल बॉवल डिजीजेस की वजह से, रेडिएशन कोलाइटिस, नियोप्लाज्म, पेंक्रियाटिक अल्सर. देन इडियोपैथिक सेक्रेटरी डायरिया. देन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, फंक्शनल बॉयल डिसऑर्डर्स एंड एक्सेट्रा. देन कम अप. ओके, तो बेसिकली क्रॉनिक डायरिया जो है वो इयूसिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज अ नॉन पैरासिटिकल इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव डिजीज ऑफ द जी आई ट्रैक विद अ वेरियस डिग्री ऑफ इयूसिनोफिलिक इनफिल्ट्रेशन इन अ ट्यूब्यूलर
intestinal tract and a biliary tree. In absence of vasculitis or significant extra intestinal tissues and eosinophilia. Symptoms kya rahenge? Acute investigations. Investigation for the ascending assessment of the acute diarrhea. Pehla spot stool sample chahiye. Theek hai? Uske baad mein blood test karenge. Then the rigidity, sigmoidoscopy and biopsy. Plain abdominal radiography and etc. Then the 16th point is okay. Constipation kya cheez hai? Constipation hai infrequent or difficult passage of feces. It can also refers to hardness of the stool or feeling of incomplete evacuation. ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? तो इसके हिस्ट्री होनी चाहिए बंदे को कि डिटरमाइन नंबर ऑफ द स्टूल पर वीक एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉब्लम. देन आस्क अबाउट दी स्ट्रेनिंग, पेन, प्रेशर, सेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू डिफिकेशन आफ्टर, अब ऑल्सो कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल. ये सारी चीज़ें पूछनी है. उसके बाद में एनी सिम्टम दैट माइट इंडिकेट एन अंडरलाइनिंग डिजीज. सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन अगर हो सकता है किसी और कंडीशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है. तीसरी चीज़ डाइट्री और इनहिबिटरी फ्लूइड इनटेक, हैबिचुअल फ्लूइड इनटेक. और चौथी चीज़ एक्यूट है, सब एक्यूट है. ऑनसेट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन शुड राइज पॉसिबिलिटी ऑफ द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन. इन फीमेल्स पेशेंट्स द नंबर एंड टाइप ऑफ डिफिकल्टी टू deliver since the rectocecal and pelvic problems can also be associated with the constipation. ठीक है, इसके बाद में माल एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है? माल एब्जॉर्प्शन इज इन अ फेलियर ऑफ अ नॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशंस. नॉर्मल एब्जॉर्प्शन फेलियर इन अ नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. प्रिंसिपल टाइप ऑफ माल एब्जॉर्प्शन आर जनरलाइज एंड द स्पेसिफिक. दो इसमें डिवाइड किया हुआ है, जनरलाइज एंड स्पेसिफिक. बेसिकली माल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं इंटेस्टाइन में, स्टमक में, माउथ में, ये तो सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब की जाती है, जो हम खाने में से हमारी बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स वगैरह. सो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब का ना होना, दैट इज़ दी माल एब्जॉर्प्शन. और इसको डिवाइड किया हुआ है दो इसमें, जनरलाइज और स्पेसिफिक. मतलब जनरलाइज मतलब कि कोई रीजन की वजह से, मतलब अफेक्ट्स ऑल क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ही एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा. इट यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीजेस और कंडीशंस ऑफ द अदर ऑर्गन्स. ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी और डिजीज की वजह से भी. व्हेन सीवियर, अगर ये सीवियर है, इट इज मैनिफेस्टेड बाय वन और मोर क्लिनिकल फीचर्स लाइक माल एब्जॉर्प्शन स्टेजेस. बिकॉज फैट एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो अफेक्टेड, एक्सेस अनडाइजेस्टेड फैट इन द स्टूल दैट इज स्टार्टोरिया. मतलब अगर फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, फैट का एब्जॉर्प्शन अगर बॉडी में नहीं हो रहा, तो हमको स्टूल के अंदर, स्टूल जो सैंपल हम लेंगे पेशेंट का, उसमें हमको स्टार्टोरिया मतलब फैट उसमें नजर आएगा. इज स्ट्रॉन्ग इन एविडेंस फॉर द जनरलाइज्ड माल एब्जॉर्प्शन. ठीक है, स्पेसिफिक अगर हो रहा है तो स्पेसिफिक किसी एक चीज़ का नहीं होगा, जैसे कि लैक्टोज और विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंसी हो रही है, जो कि विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंसी अनीमिया में जो होगी. So it is a failure of process generating the absorption of the one class or a type of a nutrient. Genetic or acquired failure to absorb the diacrylate sugars. ठीक है, ओके. इसके क्लासिफिकेशन वगैरह आप लोग देख लेना क्या है. देन कोलोनिक डिजीजेस,